क्या किसी के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है? क्या किसी की यादों को दिल से नहीं निकाल पा रहे हो? किसी की केयर करते हो, किसी के बारे में दिन रात सोचते रहते हो और नहीं पता कि उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है? क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के? अगर आपके दिल में कुछ भी कन्फ्यूजन्स हैं और जानना चाहते हो अपने पार्टनर के दिल के राज, सो आज का वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है आपके पार्टनर के दिल के राज, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में। और अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता दूं, टैरो कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती है, सो एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। और आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और उनका नाम 3 बार रिपीट ज़रूर कीजिएगा और कार्ड्स के साथ कनेक्शन बना लीजिएगा। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को स्किप करते हैं तो एनर्जीज ब्रेक हो जाती हैं। जनरल कलेक्टिव टाइम रीडिंग होती है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। पर ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, तभी आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के। सो शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, जल्दी जल्दी अपने पार्टनर का इमेज अपने दिमाग में सोच लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। आपकी विशेज, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आप क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो पूरी कैसे होगी। सो लिखते रहिए, मैनिफेस्टेशंस मांगते रहिए, ज़रूर पूरी होगी। चलिए शुरू करते हैं स्प्रेड को। जेंडर बाइस रीडिंग नहीं होती है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ। सो आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कार्ड मैंने ओपन कर लिया है। ओके, सो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आज यादों में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ज़रूर कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है जिसकी वजह से कुछ दूरियाँ हैं, कुछ डिस्टेंसेज हैं, कुछ डिफरेंसेज हैं। बट आज आपके पार्टनर आपकी यादों में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी टाइम आपने पास्ट में स्पेंड किया है वो सब कुछ आज उनको फ्लैशबैक में याद आ रहा है। आपके बारे में आज बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है, इंटेंस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साइन आपको दिख रहा है साइड में, ठीक है। सो आज बहुत ही इमोशंस निकल निकल के आपके लिए आ रहे हैं। कुछ इमेच्योरिटी ज़रूर इन्होंने दिखाई है, कुछ इनसे गलतियां ज़रूर हुई हैं जिसके बारे में भी आज ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि सबसे पहले अपीयर हुई है। चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। चलिए स्प्रेड लेते हैं, फिर रीडिंग को मैं और एक्सपैंड बताऊंगी। 6 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड, ब्यूटिफुल कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ गई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, फाइन। और देख लेते हैं, वाओ, किंग के कार्ड्स बहुत सारे आ चुके हैं। अगेन किंग ऑफ कप्स यहाँ पर निकल करके आया है। 8 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड, द स्टार। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल के आ चुका है कुंभ राशि एक्वेरियस। एक कार्ड और निकालते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन। ओके,
सो चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं ये। सो डेफिनेटली आज आपकी यादों में डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आज आपके इमेज उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपकी लाइफ में, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है या कुछ डिफरेंसेस आप दोनों में ज़रूर आए हैं। आपके पार्टनर की इमेजिनेशंस में अभी आप बहुत ज़्यादा आ रहे हो। आपकी यादें, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। आपकी इमेज या आपकी वीडियोज़ या आपका कोई चैनल हो सकता है जिसको आपके पार्टनर कंटिन्यूसली वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं। अगर आपको ब्लॉक भी किया हुआ है बट उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक ज़रूर करते रहते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लगते हो उनको, उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बनेंगे या फिर आप बन चुके हैं, तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव आज सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। आपकी स्माइल, आपके बाल, आपका फिज़िकल अपीयरेंस, आपकी स्पेशली आपका जो एक नेचर है, बहुत ही प्योर नेचर के हैं आप, बहुत ही हार्ट से प्योर हैं एंड किसी का बुरा आपको करना नहीं आता है। कभी किसी के बारे में ना ही आप गलत बोलते हैं ना ही गलत चाहते हैं। सो एक बहुत ही प्योर थॉट है, बहुत ही प्यारी सी आपकी स्माइल है, बहुत ही एनर्जी है आपके अंदर। अपनी लाइफ को आप बहुत ही मतलब एंथुजियास्टिक तरीके से जीते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नई चीज़ें। आपको फेमस होना बहुत पसंद है, आपको आपको अपनी इमेज बहुत अच्छी लगती है। आप अपनी इमेज को ख़राब करने के लिए कोई भी काम नहीं करोगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत खुश रहने की कोशिश करते हो, ठीक है, एंड बहुत ही पॉजिटिव हो आप हमेशा। सो यही चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आपके पार्टनर आज कहीं ना कहीं या तो आपकी इमेज ले करके बैठे हुए हैं या फिर कोई आपका थॉट उनको ज़रूर आ रहा है, आपकी याद आज कंटिन्यूसली वो देख रहे हैं। अगर आपकी कोई फ़ोटोग्राफ उनके पास है या अगर आप लाइव रहते हो या आपके चैनल्स हैं या आप सोशल मीडिया पे रहते हो या आप आपके फेसबुक पे या कहीं तो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, अभी काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। कुछ लिमिटेशंस ज़रूर रही हैं आप दोनों के रिश्तों के अंदर, आपकी लाइफ में। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन ने बहुत परेशान किया हुआ है, ठीक है। पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ, हस्बैंड, एक्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी के चलते आप दोनों में डिस्टेंसेस और डिफरेंसेस ज़रूर आए हैं। आपके पार्टनर सिर्फ बैठकर सोचते ही रहते हैं, ठीक है, आपसे कुछ कहते नहीं हैं, आपको अपने एक्सप्रेशंस बताते नहीं या खुलकर अपने दिल की बात आपसे नहीं कर पाते हैं। आप लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी हो, पर आप ना टैलेंट को यूज़ नहीं करते हो अपनी। सो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाओगे, है ना। जिसके साथ भी वो हैं वहाँ डेफिनेटली अभी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, है ना। ये आपको अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, ये कहीं ना आपको ये दिखाते हैं कि ये खुश है, जहाँ भी है ये परफेक्ट है। आपको इग्नोर भी करते होंगे, है ना। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, उनकी रेपुटेशन है, अगर वो आपसे बात करेंगे या आपके साथ अपनी रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे तो उनकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। सो एक बहुत ही मैच्योर तरीके से सोच करके आपके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, हर एक कदम पर हर बात को सोच करके ही वो करते हैं। सो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हुए हैं या वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर वो आपको एक्सप्रेस करेंगे तो उनका नाम ख़राब हो सकता है या फिर उनकी रेपुटेशन कहीं ना कहीं उनकी स्टेटस पे फ़र्क पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी स्टेटस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, राइट। सो उसके चलते ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ज़्यादा बातों को बताते नहीं हैं, या फिर इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसका बर्डन इनके ऊपर हो सकता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हो सकती हैं, बिकॉज ये किंग के कार्ड है। सो किंग में डेफिनेटली यहाँ पर लोगों का बोझ है या लोगों की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सनालिटी मुझे ये दिखाई दे रहे हैं और जो चाहते हैं वो अपनी लाइफ में अचीव भी कर लेते हैं, है ना। प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, राइट, इमोशनल नहीं है इतने, ये प्रैक्टिकल ज़्यादा, चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं, अपनी इंट्यूशंस पे इतना ध्यान नहीं देते। इनको लगता है कि अगर ये प्रैक्टिकल सोचेंगे ना तो ज़्यादा इजीली मूव कर पाएंगे, क्योंकि इमोशंस के चलते काफ़ी कुछ ख़राब होने का डर इनको लग रहा है। या तो इनके प्रेजेंट रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे या फिर आपके साथ रिश्ता ख़राब हो जाएगा और वापस ठीक भी नहीं हो पाएगा।
ठीक है, इनकी कंडीशंस अभी ऐसे मुझे दिखाई दे रही हैं कि इमोशनल बहुत ज़्यादा फ़िलहाल आपको लेकर के हो रहे हैं। आपको प्रॉमिस देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको अकेला छोड़ करके जाना उनकी मजबूरी हो गया है। वो चाहते हैं सब कुछ छोड़ करके आपके पास आना, वो चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना, वो चाहते हैं आपको प्रॉमिस देना, न्यू बिगनिंग करना। होपफुल भी रहते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होपफुल रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक उम्मीद की किरण आज भी बाकी है और वो आपको अप्रोच बहुत जल्द करेंगे और आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। आपके दिल में जो एक प्योरिटी है, आपके दिल में, आपके अंदर जो एक सच्चाई है, वो उसको भूल नहीं पा रहे हैं। रेस्ट्रिक्ट ज़रूर किया है उन्होंने खुद को, आपको क्लैरिटी नहीं दी है, कंफ्यूज करके रखा हुआ है, ठीक है, बट कुछ अलग सा कनेक्शन आपके साथ आज फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परेशान ज़रूर हैं, लेकिन आपके लिए एक बहुत इंटेंस इमोशंस आज उनके आ रहे हैं। और देखो, पास्ट में हो सकता है आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हों, या आपकी तरफ अभी भी ना इतना ध्यान दे रहे हों, ना ही आपके सवालों का जवाब देते हों। आप पूछने की कोशिश भी करते होंगे तो चुप हो जाते होंगे या फिर इधर उधर चले जाते हैं। सो इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस है ना, वहाँ पर उसकी मजबूरियों के चलते कुछ दूरियाँ आपसे बनाई हुई हैं इन्होंने, बट कनेक्शन ज़रूर बना हुआ है आपके साथ, एक कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं साइड से देखते भी रहते हैं, स्टॉक भी करते रहते हैं, बट पूरी दिल की बात आपको अभी नहीं बता सकते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही हो, है ना, प्रेशर भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है इनकी लाइफ में जिसका सामना इनको करना पड़ रहा है। आप लोगों की दुनिया थोड़ी मुझे यहाँ पर अलग दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए ज़रूर हो, कनेक्टेड ज़रूर हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते कुछ टाइम ठीक नहीं अभी चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें दूर हो गई हैं या आप लोग दूर हो गए हैं। आप में इंटरेस्टेड तो ये हैं, पर कभी कभी इनको लगता है कि अगर ये आपको अपने दिल की बात बता देंगे तो ऐसा ना हो कि आप और दूर हो जाओ, क्योंकि जो भी इनकी लाइफ के सीक्रेट्स या जो भी इनकी लाइफ में है वो या तो आपसे हिडन है, या फिर अगर आपको पता भी है तो ये उसको उसके साथ गलत नहीं करना चाह रहे हैं, या फिलहाल उनको ऐसा लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है, है ना। पार्टनर सही है लेकिन अभी टाइम ठीक नहीं है ये चीज़ें खोलने का, ओपन करने का, या फिर ये चीज़ें सबको बताने का। बट हाँ, आपको बेस्ट ज़रूर समझते हैं, खुद को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम से भी अभी गुजर रहे हैं। सो डेफिनेटली परेशान भी हैं, इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है जिसने इनको अटका के रखा हुआ है। आपसे इनको खुशी मिलती है, आपको प्रॉब्लम और अपनी ये सारी दिक्कतें बताते भी होंगे, इनको आपसे हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। और इस सपोर्ट के लिए वो हमेशा आपको थैंकफुल भी रहते हैं, है ना, आपके लिए कॉन्फिडेंट भी हैं कि जब भी ये आपको ऑफ़र करेंगे, जब भी ये आपको बोलेंगे तो आप इनके साथ आगे ज़रूर बढ़ोगे। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते अभी ये चीज़ों को हिडन करके रखा हुआ है, छुपा करके रखा हुआ है। सो चलिए जानते हैं, देखते हैं क्या कुछ इनका नेक्स्ट एक्शन आ रहा है, क्या कुछ अगला कदम इनका आ रहा है, क्या करने वाले हैं ये, क्योंकि अभी कन्फ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं, थोड़ा सा बैठ के सोच भी रहे हैं, राइट, तकलीफ़ में भी दिखाई दे रहे हैं, बट आपकी इमेज, आपकी यादें आज इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। सो देखते हैं क्या बता रहे हैं कार्ड्स। ओके, सो देखो, बहुत जल्द इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में एक तूफान सा आएगा। कुछ लड़ाई झगड़े इनके हो सकते हैं, ठीक है, इनके करियर प्लेस पे हो सकते हैं, जिसका इनको डर लगा हुआ है कि ऐसा ना हो ये बोलें और कुछ झगड़े हो जाएं, ठीक है, या फिर इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो और ज़्यादा झगड़ों में चली जाए और ज़्यादा ख़राब हो जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके, सो डेफिनेटली आज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, आपके बारे में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ एक्शन ज़रूर प्लान करेंगे, बट जो भी सीन, जो भी कुछ अभी इनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, वो अभी कहीं ना कहीं अटकी हुई हैं चीज़ें। मून का कार्ड आया है, ओके, सो मून का कार्ड प्रोमिनेंटली यहाँ दिखा रहा है पाइसिस मीन राशि को। सो कुछ चीज़ों को लेकर के डरे हुए हैं, कन्फ्यूज हैं, ठीक है,
आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ ने उसने सारी चीज़ें अभी ब्लॉक करके रखी हुई हैं, रोक के रखी हुई हैं। सो इस थर्ड पार्टी के चलते अभी थोड़ा सा रुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। सो जैसे ही चीज़ें ख़त्म होंगी रीयूनियन करेंगे। तो रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा आप लोग जितने भी चाहते हैं यहाँ पर व्यूअर्स कि आपका और आपके पार्टनर का रीयूनियन हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है रीयूनियन, ओके। लेकिन अगर आप लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो लिखिएगा मूव ऑन, और अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में न्यू पार्टनर तो ज़रूर लिखेगा न्यू पार्टनर। पेज ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आने का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे कि आपको अपने दिल की बात बोल पाए और आपके साथ ये जो अधूरी सी जिंदगी है ये पूरी कर पाए, ओके। बट जितने लोग न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक न्यू पार्टनर की एंट्री होती हुई भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ओके। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नेक्स्ट आया है। सो डेफिनेटली जो भी कुछ आपसे उन्होंने छीना है या जो भी कुछ अधूरा रह गया है वो आपको वापस ज़रूर देंगे, ऑफर करेंगे, ठीक है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी थोड़ी सी अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं, ठीक है। बट ये रिश्ता वो आगे बढ़ाने के लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं वो डेफिनेटली करेंगे, और आप जो डिज़र्व करते हो आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, डिवाइन प्लीज़ कुछ मैसेजेस दे दीजिए इनके पार्टनर के, इनके लिए जान व्यूअर्स जानना चाहते हैं इनके पार्टनर इनके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या है उनके दिल में अभी इनको लेकर के। आई एम चेंजिंग फॉर यू, नीड्स टाइम। सो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा समय इनको चाहिए, खुद को बदल रहे हैं आपके लिए। You are the most genuine person I have ever met, but that scares me. So definitely आप बहुत genuine person लगते हैं इनको, लेकिन आपके साथ आगे बढ़ने के लिए अभी थोड़ी सा condition ठीक नहीं है। Things never get off the ground with us, why? So जानने की कोशिश कर रहे हैं क्यों चीज़ें आप दोनों के साथ सही नहीं चली हैं। आई डोंट वॉन्ट टू इमेजिन अ फ्यूचर विदाउट यू इन इट। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके बिना अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, अपने फ्यूचर में आपको भी देख रहे हैं। आई स्टे अवे टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मी। सो बहुत ज़्यादा अभी टॉक्सिक हो रहा है इनका बिहेवियर या नेचर, सो अभी आपसे दूर खुद को रखा हुआ है ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके। आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, लव यू। सो ये है आपका लास्ट मैसेज। सो आपके बारे में ही ड्रीम आते हैं, सपने आते हैं और आपके बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे, अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लिया है तो वेरी वेरी थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना है। और अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। सो बजरंग बली का, यूनिवर्स का, एंजल का थैंक यू कीजिएगा, 111 क्लेम कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।